हमारा 1972 में क्या हाल हुआ, जब 1950 में बोल के आए थे ना, और 1972 में हम दोनों मियामी की बाई रोड हज के लिए गए थे यहाँ से, तो वो लोग ही ना हमसे अच्छा सलूक नहीं करते थे, बॉर्डर वाले जिस क्वार्टर से गुजरे हैं ना, बॉर्डर वाले कंपनी से बात करते थे ना, पता नहीं क्यों जो जी सब कहते हैं। मेरे को लगता है कि हम 20-25 साल बाद आएंगे ना तो अंग्रेजों की जगह से यहाँ आएंगे, तो मैं इनको कहती हूँ आपको यहाँ पे अंग्रेज कहाँ नजर आ गया है, बोले तेरे को नहीं पता है, छोड़ अपना मक्का मदीना भी बेच देंगे, छोड़ इनको छोड़। मैं इनकी बातें सुनती रही, लेकिन आज वो बातें सच्ची हो गई हैं। अल्लाह मेरे को ज़रूरत है कि आप 10 लाख की मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ो, मुसल्ला बिछाओ, दिल से बातें करो, रो लो, वो बातें सुनता है। इनके इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। माफ़ कर दो, दरगुजर करो और अपने काम से मतलब रखो। मैं बोलती हूँ इन अपने को बुरी बुरी बातें बोलता है, हम कड़े जी बेचते हैं, हम गुड़गे बेचते हैं, उनको इनसे इनका लड़ाई करो, इनको इनको बोलो। आप लोग कहाँ रहते? मेरे मियाँ का घर नीचे और मेरा ऊपर, इसलिए मेरा बाईपास हुआ है तो मैं नीचे नहीं रह सकती। मेरे को 32 साल से शुगर है, 80 में मेरे को शुगर आई थी, मेरा बाईपास हुआ था, मेरे को है ना नीचे कमरे में रोशनी नहीं आती, हवा पवन धूप नहीं आती है, ये इनको मज़ा आता है, मुझे इनको पंखा बंद करके देखना है, मुझे 4 पंखे चालू करके देखना है। तो बच्चे के साथ, बच्चों के साथ क्यों नहीं रहती हैं आपकी? वैसे तो वैसे बहुत सारे बच्चे नहीं, मेरे बच्चों की शादियां हो गई, कभी कभी इनके घर जाती हूँ, कभी क्लिफ्टन में जाती हूँ वो भी मेरे बच्चे हैं, कभी पागलखाने में जाती हूँ वो भी मेरे बच्चे हैं, और जिधर जाती हूँ ना उधर दुख होता है, देख के दुख होता है। माँओं को भागना नहीं चाहिए, उसकी शादियाँ नहीं करनी चाहिए, माँ तो माँ होती है ना, किसी के घर पर छोड़ दो दर बदर करने के लिए, ये तो माँ को शोभा नहीं देता है ना। एक हिंदू लड़की ऊपर है, ये हमको मिली है 12-13 साल पहले बॉर्डर से करा लाहौर की, तो वो पहली ट्रेन आती थी ना, तो इसमें ये आ गई है बच्चों के वालों के साथ लड़ाई घर में मार मार खा के, अब है ना ये ऐसा करती है, पहले पाँव चूमती है फिर इधर लगाती है, लड़कियों ने इसका नाम फातिमा रखा था उधर, मैंने बोला ये फातिमा नहीं है ये तो गीता है, फिर गीता को उधर मुख्तलिफ सेंटरों में रखा गया, वो भागने की कोशिश करती थी, घूंगी नहीं है। अच्छा, फिर हमको बोलती है मैं गई थी, मैं इसको इधर ले आई, फिर यहाँ सब सेंटरों में लड़ाई लड़ाई करके अब मेरे सेंटर में आई है, तो ऊपर है ना नींद लगी हुई है बच्चों की, उसमें आता है स्टार प्लस इसका कल्चर आता है, यहाँ किसी से नहीं लड़ती, नहीं लड़ती, और है ना गुरु नानक आए थे यहाँ पे मेरे से मिलने, कौंसलेट जनरल कौन होते हैं इंडिया के, ये आए मिलने के लिए, अल्लम गल्लम दुनिया की टीमें आए मिलने के लिए, लेकिन इसके पता नहीं मिलता है, ये लिखती भी है हिंदी, लिखती भी। बारह तेरह 14 दिन पहले जो है वो इनका एनजीओ प्लास्टी हुई थी, पांव के नाप अंगूठे में जो है ना गैंग्रीन हो गई थी, तो उसके लिए जो डाई दी गई थी उसके बाद इनको जो है ना कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ, और उसमें शुरू में तो वो माइनर था और रिकवर हो भी गई थी, लेकिन वो लड़ झगड़ के हॉस्पिटल से आ गई, अगर वो 2-3 दिन रह जाती और इलाज हो जाता तो बेहतर था, लेकिन अब अल्लाह की मर्जी थी, और इसके बाद जो है वो फिर हम फिर तबीयत खराब हुई तो फिर हम लेके गए इनको हॉस्पिटल, वहाँ पे 4-5 दिन तक रही, 5-6 दिन तक, और आज जुमे के दिन रमजान में इफ्तार से आधे घंटे पहले 6:30 बजे के करीब उनका इंतकाल हो गया। मैं जिधर भी जाती हूँ ना इसको ले जाती हूँ चुपचाप घुमाने के लिए।